मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका दिखाया जाता है, जो कि इस नए जमाने में खुद को ढालने की कोशिश में लगा हुआ होता है। स्टीव अब शील्ड के साथ ही रहकर अपने कंट्री और लोगों की हिफाजत किया करता था। इधर हम निक फ्यूरी को देखते हैं, जो कि स्टीव को एक सीक्रेट मिशन पर भेजते हैं स्टीव का साथ देने के लिए। वहाँ पर नताशा और शील्ड के बाकी लोग भी होते हैं। वो एक शिप पर शील्ड के लोगों को बचाने आए होते हैं, क्योंकि उन सब लोगों को हाइड्रा के लोगों ने पकड़ा होता है। तभी वहां स्टीव और शील्ड के बाकी लोग आ जाते हैं और वो सब हाइड्रा के लोगों पर अटैक कर देते हैं। स्टीव उस सोल्जर को हराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो हारता हुआ नजर आ रहा होता है, लेकिन किसी तरह स्टीव उसे लड़कर बेहोश कर देता है। इधर हम नताशा को देखते हैं, जो कि एक कंप्यूटर से फाइल्स को कॉपी कर रही होती है। इसके बाद ये दोनों शील्ड के हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं। निक फ्यूरी स्टीव को शील्ड के एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा होता है प्रोजेक्ट इनसाइड। इस प्रोजेक्ट से निक शील्ड के हेलिकेरिया को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया होता है, और वो हेलिकेरिया सैटेलाइट से शील्ड के किसी भी दुश्मन को निशाना बना सकते थे। इधर हम निक को देखते हैं, जिसे नताशा ने जो डेटा दिया होता है उसमें काफी ज्यादा कोड्स होते हैं। निक फ्यूरी को इस डेटा को रीड करने के लिए उन्हें इस डेटा को डिकोड करना होगा, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अब इस बात से निक को प्रोजेक्ट इनसाइट के ऊपर डाउट होने लगता है, इसीलिए वो वहाँ पर अलेक्जेंडर को बुलाते हैं और उन्हें प्रोजेक्ट इनसाइट को डीले करने को कहते हैं। इसके बाद निक अपनी कार से निकल जाते हैं। निक वे यानी रास्ते में ही होते हैं, तभी उन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, जिन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी होती है। तभी वहाँ एक सोल्जर आ जाता है, जिसका नाम होता है विंटर सोल्जर होता है। इधर निक उस अटैक से बचकर वहां से भाग जाते हैं, जहां वो स्टीव यानी कैप्टन अमेरिका के घर पर आ जाते हैं। निक स्टीव को एक पेन ड्राइव देते हैं और उसे बताते हैं कि इसे संभाल कर रखना, क्योंकि वो लोग कभी भी मुझ तक पहुंचकर इसे मुझसे हासिल कर सकते हैं। निक स्टीव को बता ही रहे होते हैं, तभी उन पर विंटर सोल्जर अटैक कर देता है, जिससे निक काफी इंजर्ड हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और वहीं पता लगता है कि उस अटैक में निक फ्यूरी की डेथ हो गई है। इधर हम अलेक्जेंडर को देखते हैं, जो कि स्टीव से उस ड्राइव के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन स्टीव अलेक्जेंडर को उस ड्राइव के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और वहां से निकल जाता है, जिस बात पर अलेक्जेंडर को स्टीव पर काफी गुस्सा आता है, और साथ ही उसे इस बात का एहसास भी हो गया होता है कि स्टीव उससे झूठ बोल रहा है। हो न हो वो ड्राइव स्टीव के पास ही है। इधर हम स्टीव को देखते हैं, जो कि एलिवेटर के अंदर होता है। उस लिफ्ट में स्टीव के साथ और भी लोग मौजूद होते हैं, जिन्हें अलेक्जेंडर ने भेजा होता है ताकि वो स्टीव से पेन ड्राइव को हासिल कर सके। तभी वो सब लोग स्टीव पर अटैक कर देते हैं, लेकिन स्टीव उन सब लोगों को मारकर वहां से चला जाता है। इधर अलेक्जेंडर ने स्टीव को भगोड़ा साबित कर शील्ड से निकाल दिया होता है। इधर हम स्टीव और नताशा को देखते हैं। नताशा उस ड्राइव में डेटा को डिकोड करने की कोशिश कर रही होती है। उस डेटा से नताशा और स्टीव को पता लगता है कि शील्ड का एक और हेडक्वार्टर है, जो कि न्यू जर्सी में है। अब ये बात मालूम होने के बाद ये दोनों उस प्लेस पर जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद ये दोनों कार से न्यू जर्सी में उस प्लेस पर आ जाते हैं, जहां पर शील्ड का हेडक्वार्टर होता है। तभी ये दोनों उस प्लेस पर आ जाते हैं, वहां पर उन्हें कुछ पुराने सामान और एक कंप्यूटर मिलता है। तभी नताशा उस ड्राइव को वहां पर लगा देती है। जैसे ही नताशा उस ड्राइव को वहां पर लगाती है, तभी वो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। वो कंप्यूटर कोई आम कंप्यूटर नहीं, बल्कि एक सुपर कंप्यूटर होता है, क्योंकि उस कंप्यूटर में साइंटिस्ट आनिम जोला का दिमाग होता है। वो कंप्यूटर स्टीव और नताशा को बताता है, उसने शील्ड में ही काम करते हुए उसने हाइड्रा के बाकी कामों को अंजाम दिया, लेकिन इस काम में उन्हें और भी लोगों की जरूरत थी, इसीलिए जोला ने शील्ड के और भी लोगों को अपने साथ इस वर्क में शामिल कर लिया होता है। ये सब लोग शील्ड में रहकर हाइड्रा के कामों को अंजाम दिया करते थे। यही वजह होती है कि हाइड्रा वालों ने उसके दिमाग को कंप्यूटर में लगा दिया होता है। वो उन्हें बताता है कि हाइड्रा का मकसद शील्ड पर कब्जा कर पूरी दुनिया पर हुकूमत करना है। और तभी जोला उन लोगों पर धोखे से मिसाइल से वहां उस प्लेस पर अटैक करवा देता है, जिस प्लेस पर वो सब मौजूद होते हैं। लेकिन स्टीव उस अटैक से नताशा और खुद को बचा लेता है, क्योंकि स्टीव वहां पर बने एक अंडरग्राउंड टनल में आ जाता है। और तभी
तभी स्टीव को ये बात पता चलती है कि लिफ्ट में उस अटैक करवाने वाला और हाइड्रा का आदमी कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर है। इसके बाद स्टीव हेल्प के लिए अपने एक फ्रेंड के पास जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर के होने की वजह से वो हेल्प के लिए शील्ड के पास नहीं जा सकता था। स्टीव अपने जिस फ्रेंड के पास हेल्प के लिए आया होता है वो भी एक सोल्जर होता है जिसका नाम सैम यानी फैल्कन होता है। फैल्कन स्टीव की बात सुनने के बाद सैम उनकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है। ये तीनों आपस में टीम अप कर लेते हैं। इसके बाद ये उस प्लेस पर जाते हैं जहां पर शील्ड का एक मेंबर होता है। ये सब उसको पकड़ लेते हैं। स्टीव उस शख्स से काफी क्वेश्चन करता है लेकिन वो उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता है। लेकिन बाद में वो स्टीव को सब कुछ बता देता है कि वो और उसके लोग शील्ड के अंडर में रहकर हाइड्रा का काम कर रहे हैं। इसके साथ वो स्टीव को ये भी बताता है कि वो लोग शील्ड के उन काफी पावरफुल हेलिकेरिया को अपने यानी हाइड्रा के कंट्रोल में करना चाहते हैं। अब हाइड्रा के प्लान के बारे में जानने के बाद ये तीनों शील्ड के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन पर कोई अटैक कर और उस शख्स को इनसे हासिल कर लेता है जो कि कोई और नहीं बल्कि विंटर सोल्जर होता है। विंटर सोल्जर ने ऐसा इसीलिए किया होता है क्योंकि उस शख्स ने हाइड्रा के प्लान के बारे में रिवील कर दिया होता है। तभी स्टीव भी उसे देख लेता है, इसीलिए उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो सोल्जर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो स्टीव को फाइट में टक्कर दे रहा होता है। तभी फाइट के दौरान उस सोल्जर यानी विंटर सोल्जर का मास्क उतर जाता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि वो विंटर सोल्जर कोई और नहीं बल्कि स्टीव का फ्रेंड बकी बांस होता है। स्टीव अपने फ्रेंड बकी को पहचान लेता है लेकिन बकी स्टीव को नहीं पहचान पाता, क्योंकि इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि बकी ट्रेन से नीचे गिर गया होता है जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन उसे हाइड्रा वालों ने मिलकर सेव यानी बचा लिया होता है। लेकिन हाइड्रा वालों ने बकी का ब्रेन वॉश कर दिया होता है जिस वजह से बकी उसे नहीं पहचान पा रहा होता है। तभी वहाँ शील्ड के लोग आ जाते हैं जिसे वहाँ पर अलेक्जेंडर ने भेजा होता है। वो उन सब लोगों को पकड़ लेते हैं और उन्हें शील्ड के हेडक्वार्टर में ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शील्ड की एक एजेंट आ जाती है जो कि अभी भी शील्ड के लिए ही वर्क कर रही होती है। वो एजेंट किसी तरह उन्हें हाइड्रा के कैद से आजाद कर शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी के पास ले आती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि निक अभी अलाइव यानी जिंदा होते हैं, उन्होंने बस मरने का नाटक किया होता है। निक उन्हें प्रोजेक्ट इनसाइट यानी वो तीन हेलिकेरिया को जिसका कंट्रोल हाइड्रा के पास होता है उसे रोकने का कहते हैं। इस काम के लिए वो स्टीव को तीन चिप देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि इन चिप को लगाने से उन हेलिकेरिया का कंट्रोल हाइड्रा से हटकर वापस से शील्ड के पास आ जाएगा। इसके बाद हम शील्ड के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहां अलेक्जेंडर के साथ वहां पर वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के लोग वहां पर आए होते हैं ताकि वो उन हेलिकेरिया को लॉन्च कर सके। तभी वहां स्टीव और उसका फ्रेंड आ जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए स्टीव एक अनाउंसमेंट करने लगता है। वो उन्हें ये बताता है कि शील्ड के इस हेडक्वार्टर में हाइड्रा के कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता शील्ड पर कब्जा करना चाहते हैं। तभी वहां मौजूद हाइड्रा के लोग शील्ड के मेंबर पर गन पॉइंट कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर उन्हीं पर अटैक कर देती है और ये कोई और नहीं बल्कि नताशा होती है। तभी वहां निक आ जाते हैं जो कि अलेक्जेंडर को उस डेटा को डिकोड करने को कहते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर इसके लिए राजी नहीं होता है। तभी निक अपनी उस आंख से पट्टी हटाते हैं और उस आई से अलेक्जेंडर की आंख पर देखते हैं जिससे उसे सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे वो डेटा को डिकोड कर देता है। इधर हम स्टीव को देखते हैं जो कि उन चिप को उन मशीन पर लगा देता है जिससे उन हेलिकेरिया का पूरा कंट्रोल शील्ड के पास आ जाता है और तभी उसे रोकने वहां पर बकी आ जाता है और अब इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। बकी स्टीव को बहुत ही बुरी तरह मारता है लेकिन स्टीव उसे काफी समझाता है और फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जब बकी रुक जाता है, लेकिन उसे अभी भी अपने फ्रेंड स्टीव के बारे में कुछ भी याद नहीं आया होता है। अब क्योंकि उन मशीन का पूरा कंट्रोल शील्ड के पास होता है इसीलिए वो उन मशीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे ये दोनों रिवर में गिर जाते हैं, लेकिन बकी उसे रिवर से बाहर ले आता है। इसके बाद हम स्टीव और निक को देखते हैं। निक अपनी कब्र पर होते हैं।
स्टीव और फैल्कन के साथ मिलकर बकी को ढूंढने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि हाइड्रा का एक मेंबर होता है और उसने लोकी की सेप्टर की हेल्प से दो भाई बहन पर एक्सपेरिमेंट किया होता है, जिससे वो काफी पावरफुल हो गए होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।